है लोग जहां में वही अच्छे आते हैं काम दूसरों के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही बरकातहू, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और नमस्ते। मैं मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर फ्रॉम पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। गुज़िश्ता कई दिनों से कराची में बरसात का जो सिलसिला शुरू हुआ है और जो सर्दी की जो शिद्दत है वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो सिस्टम ईरान इराक से शुरू हुआ था बारिश बरसाने वाला, वो अभी भी कंटिन्यूसली जारी वो सारी है। इसको देखते हुए कई संस्थाएं कराची में काम कर रही हैं, जिसमें जेकब जावेद इंटरनेशनल ट्रस्ट भी सबसे अव्वलिन खिदमात अंजाम दे रहा है। गुज़िश्ता 25 सालों से इंसानियत को प्रमोट कर रहा है, और अगर मज़हब में से इंसानियत और खिदमत को निकाल दिया जाए तो महज इबादत रह जाती है, और इबादत के लिए फरिश्तों की अल्लाह ताला के पास कोई कमी नहीं, गॉड के पास कोई कमी नहीं है। कई लोग दुनिया में, एदी साहब थे हमारे पाकिस्तान के, फ़ख्र पाकिस्तान, मिसेस रूथ थी, और इंसार बर्नी जैसे कई नामवर शख्सियात अपना नाम कर गए। उन्हीं गुमनाम लोगों में से कई लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत का जज्बा, गरीबों का दर्द, मस्कीनों का दर्द अपने दिल में रखते हैं, लेकिन उनका नाम मीडिया में नहीं लिया जाता। उन्हीं नामों में से एक नाम हमारे जेकब जावेद साहब का है, जिनका ताल्लुक जेकब जावेद ट्रस्ट इंटरनेशनल से है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, पिछले 25 सालों से कराची में, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कहूँगा कि चंद कलमात आज के इस सर्दी के टाइम पर वो भी कहें, क्योंकि वो एक गरीबों का दर्द रखते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं, आप उनकी ज़बानी सुनिएगा। मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल, और मसीही बहनों को सलाम, बीन भाइयों को सलाम। मेरा नाम जेकब जावेद है, मैं जेकब जावेद फेयर का ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। ये तो मनोज साहब का बड़ा पान है, जो उन्होंने हमें पता नहीं क्या क्या बना दिया, और फरिश्ते जैसा वो किताब दिया। हम तो बहुत गुनाहगार से अदना से सोशल वर्कर हैं, जो हमारी बस साथ में होता है वो हम वक्फ़ थोड़े वक्फे बात करते रहते हैं, छोटा मोटा जो भी हम वो करते हैं वो गरीब इंसानियत के लिए, जो गरीब गुरबा होते हैं, मुस्तक लोग होते हैं, जैसे यहाँ सर्दी में लोग ठिठक रहे, कल बारिश पड़ी, परसों ही बारिश पड़ी, तो उनके पास कंबल या ऐसी कुछ चीज़ें ओढ़ने का लिहाफ वगैरह नहीं था बंदोबस्त, तो हमने जो भी हमारी बसात थी वो हमने किया। तो आज सिविल अस्पताल में बांटने जा रहे हैं, और कल परसों फिर हम आएँगे मुख्त जगह पर, जैसे जिना है या मुख्तलिफ और जगह पर जो हमारे रोड पर बेघर लोग हैं, उनके लिए हम जो भी छोटा मोटा जो भी हमारी बसात के मुताबिक है मिल बाँट के हम करते रहते हैं। शायद हमारी कोई नेकी अल्लाह ताला को, खुदावंद को पसंद आ जाए, वो कोशिश करते हैं जी। बाकी और तो आप दुआओं में याद रखिएगा, बस हमारे लिए यही मैं कहना चाहता।
फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। मैं मनोज चौहान तमाम पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। और सर्दी की इतनी शिद्दत है कराची में, सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गरीबों का जीना हराम है। कई लोग तो परचेस कर सकते हैं ब्लैंकेट, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं परचेस कर सकते हैं। तो जैकब जावेद का जो ट्रस्ट है वो हमेशा से खिदमत में मामूर रहा है, पेश रहा है। आज हमने विज़िट किया है सिविल हॉस्पिटल के अंदर और अतराफ सराउंडिंग के जितने भी एरियाज है उसमें ब्लैंकेट और कंबल तकसीम किए गए। और हमारे साथ इस वक्त मगन सिंह मौजूद हैं, सिख कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। मैं चाहूँगा कि चंद कलमात वो भी अदा करें। सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। जैकब जावेद जो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए वो बड़ी खुशी की बात है। ये गरीबों के लिए निकले कंबल, सर्दी की शिद्दत बढ़ी है, गरीबों के लिए कंबल लेकर निकले, गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ये, हम इसको सलूट पेश करते हैं। और आज सर्दी में उन्होंने 100 के करीब कंबल बांटे हैं, जिसमें सिविल हॉस्पिटल के जितने भी अतराफ के जो एरियाज़ हैं, सराउंडिंग में जितने भी एरियाज़ हैं उसमें हम लोगों ने कंबल बांटे हैं। कुछ मामला इंतशार की तरफ भी गया क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा कंबल को मांग रही थी, हमारे पास इसकी क्वांटिटी कम थी, लेकिन जो हम कर सके वो किए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। और वो पानी आज तलाश किया इतनी सख्त सर्दी में जैकब जावेद साहब ने, पता नहीं उनको क्या सोची उन्होंने, कंबल परचेस किए इनकी संस्था ने, और आज जो है तमाम लोगों को जो नीडी पीपल हैं उनको कंबल बांटे गए। और पाकिस्तान में कराची में ये मैसेज दिया गया कि इंसानियत की खिदमत अवलीन खिदमत है, सबसे पहले इंसानियत है, तमाम मजाहिब इसके बाद आते हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, जैकब जावेद साहब का शुक्रिया, हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे क्या नाम है आपका, मगन सिंह का भी शुक्रिया। मैं मनोज चौहान हिंदू स्कॉलर तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।